Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सदर ट्रंप ने गैर मुल्की बाशिंदों की रिहाई में तआवुन पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। साबिक वजीर आजम की तबीयत नासाज है, डॉक्टर अदनान का कहना है कि सेहत की बहाली में कुछ माह लग सकते हैं। जी अभी वैसे ही, अभी तो इट विल टेक अ व्हाइल, इट्स ओवरनाइट तो चीज़ें ठीक नहीं होती, अभी तो प्रॉब्ली एक दो दिन ही हुए हैं। लाहौर में स्मोग, हुकूमती इकदामात नाकाफी करार। आलमी तंजीम ने हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। सियाचिन मुतनाज़ा इलाका है, डॉक्टर फैसल कहते हैं कि भारत सियाहत के लिए कैसे खोल सकता है। भारत ने सियाचिन पर कब्जे की कोशिश की थी। पीपल ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट इवन अलाउड टू ऑफर फ्राइडे प्रेयर्स एट मॉस्क्स। पाक भेरे के जहाजों PNS आलमगीर और P-3C एयरक्राफ्ट ने तुर्की में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी बहरी मशकों में शिरकत की। कैनेडियन मीडिया के नाम से जाली न्यूज वेबसाइट्स पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली, कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड, स्कारब्रो। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी सदर से अफगानिस्तान से मुखबियों की रिहाई पर गुफ्तगू करते हुए उसे खुशाइंद करार दिया। ट्रंप ने रिहाई में सहूलत फराहम करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान में मुगवियों की रिहाई के सिलसिले में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ये बात उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कही। वजीर आजम इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। बातचीत में पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी सदर से अफगानिस्तान से मुगवियों की रिहाई पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुगवियों की रिहाई पर खुशी है, ये मुस्बत पेशरफ्त है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुखवियों की रिहाई में सहूलत फराहम करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगान अमन अमल पर भी बातचीत की गई। इसके अलावा वजीर आजम ने सदर ट्रंप को मकबूजा कश्मीर की ताजा सूरत हाल से भी आगाह किया। इमरान खान ने कहा कि 100 दिन से ज्यादा हो गए, 80 लाख कश्मीरी आज भी घरों में महसूर हैं। उन्होंने सालिसी के लिए ट्रंप की जारी कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोशिशें जारी रखें। इस मौके पर रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक और वाशिंगटन में होने वाली मुलाकातों और बातचीत के तनाजुर में दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम करने का फैसला भी किया। कुछ बात करेंगे नवाज शरीफ के जाती मौलिज का कहना है कि उनकी सेहत रातों रात ठीक नहीं हो सकती, सेहत की बहाली में कुछ माह भी लग सकते हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत ताहाल नासाज है, उनकी तबीयत की बेहतरी में कई माह लग सकते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि नवाज शरीफ को दिए गए स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। नवाज शरीफ के जाती मौलिज का कहना है कि डॉक्टर्स का ख्याल है कि मियाँ साहब को दिए जाने वाले स्टेरॉइड्स को कम करके मुकम्मल रोका जाए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत रातों रात ठीक नहीं हो सकती, सेहत की बहाली में कुछ माह भी लग सकते हैं। स्टेरॉइड्स के इवेंचुअली इफेक्ट्स होते हैं और यहाँ पे भी साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनका ख्याल है कि इवेंचुअली वी हैव टू टेपर देम ऑफ और उनको स्लोली विड्रॉ किया जाएगा। जी अभी वैसे ही, अभी तो इट विल टेक अ वाइल, इट्स ओवरनाइट तो चीज़ें ठीक नहीं होती, अभी तो प्रॉब्ली 1-2 दिन ही हुए हैं। कुछ बात करेंगे, आलमी तंजीम ने कहा कि लाहौर में स्मोक पर काबू पाने के हुकूमती नाकाफी इकदामात पर तशवीश है, जिससे लाहौर के हर शहरी को खतरा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लाहौर में स्मोक से निपटने के लिए पाकिस्तान से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी हुकूमत से लाहौर शहर में स्मोक से निपटने के लिए फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। आलमी तंजीम ने कहा कि स्मोक पर काबू पाने के हुकूमती नाकाफी इकदामात पर तशवीश है, जिससे लाहौर के हर शहरी को खतरा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ये मामला इस कदर संजीदा है कि हम दुनिया भर में अपने अरकान से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी हुकाम से कहें कि वो इस बहरान की नौयत को संगीन माने और लोगों की सेहत और जाने बचाने के लिए फौरी इकदामात करें। लाहौर और गिरदोनवा में स्मोक की सूरत हाल एक बार फिर गंभीर हो गई। स्मोक के बायस लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद में आज स्कूल बंद रहेंगे। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 हो गया है। स्मोक की शिद्दत में इजाफे के बायस मामलाते जिंदगी मुतासर होकर रह गई है। स्मोक के बायस शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है और लोगों को सांस लेने में भी शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर के बेशतर इलाकों में हद निगाह 800 मीटर तक महदूद है, जबकि लाहौर में स्मोक नहीं भारतीय इलाके में फसलों के जलने का धुआं फैल रहा है। तहम बारिश होने पर ही स्मोक की शिद्दत में कमी आ सकती है। हुकूमत पंजाब ने शदीद स्मोक के बायस लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में आज तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है। खबर शामिल करेंगे, एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत का कहना है कि नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए हाजिर से इस्तिस्ना दिया जाता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने कहा है कि नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाता है, जबकि मरियम नवाज रेफरेंस कायल होने के बाद ट्रायल का सामना करेंगी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को रेफरेंस जल्द दायर करने का हुक्म देते हुए समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने चौधरी शुगर मिल्स केस में रेफरेंस दायर होने तक हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया कि नैब ने चौधरी शुगर मिल्स का अभी तक रेफरेंस दायर नहीं किया। अब्दुल अलीम खान और सप्तैन खान को भी इस्तिस्ना दिया गया। दरख्वास्त में इस्तिस्ना की गई है कि मरियम नवाज को भी रेफरेंस दायर होने तक हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। वकील अमजद परवेज ने कहा कि दो दरख्वास्त
दरख्वास्त है, एक मरियम नवाज की और एक नवाज शरीफ की। वकील अमजद परवेज ने कहा कि नवाज शरीफ लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर इलाज कराने बैरून मुल्क जा चुके हैं। अदालत ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट में नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की हद तक था। अदालत ने इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूटर नैब साहब आप बताएं क्या कहते हैं। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि हमें जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। जज एहतसाब अदालत ने इस्तफसार किया कि चौधरी शुगर मिल्स केस में रेफरेंस की क्या पोजीशन है। वकील नैब ने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही मुकम्मल होगी रेफरेंस दायर कर देंगे। अदालत ने प्रोसिक्यूटर नैब को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत का कहना है कि नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए हाजिर से इस्तिस्ना दिया जाता है, जबकि मरियम नवाज रेफरेंस कायल होने के बाद ट्रायल का सामना करेंगी। अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर को रेफरेंस जल्द दायर करने का हुक्म देते हुए समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ेंगे, मजीद खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, पाक भेरे के जहाजों ने तुर्की में बैन अल-अक़वामी मशकों में शिरकत की। मशकों का मकसद मुख्तलिफ महारतों और बाहमी हरबी सलाहियतों में इजाफा करना था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाक भेरे के जहाजों PNS आलमगीर और P-3C एयरक्राफ्ट की तुर्की में मुनक्कदा बैन अल-अक़वामी बहरी मशकों में शिरकत की। तर्जुमान पाक भेरे के मुताबिक ये मशकें 9 से 21 नवम्बर तक बहरे रूम में मुनक्कद की गई। पाकिस्तानी जहाजों ने तुर्क बहरिया के साथ मशकी बहरे रूम में मुनक्कदा पाकिस्तान और तुर्की के माबैन दो तरफा मशक में भी भरपूर शिरकत की। तर्जुमान पाक भेरे के मुताबिक मशकों में 12 से ज्यादा ममालिक की अफवाज ने शिरकत की, जिसका मकसद मुख्तलिफ महारतों और बाहमी हरबी सलाहियतों में इजाफा करना था। उन्होंने कहा कि तुर्की की बंदरगाह एक्सास के दौरे के दौरान PNS आलमगीर पर इस्तकबालिये का एहतमाम भी किया गया। कुछ बात करेंगे, दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि करतारपुर आने वाले यात्रियों के लिए भारत रुकावटें डाल रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोई रुकावट नहीं, रोजाना 5,000 यात्रियों की गुंजाइश है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा ने कहा है कि सियाचिन मुतनाज़ा इलाका है, भारत सियाहत के लिए कैसे खोल सकता है। भारत ने सियाचिन पर कब्जे की कोशिश की थी, मसला अभी तक बरकरार है। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि 80 लाख कश्मीरियों का दुनिया से राबता मुनक़ता है। कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद है। आलमी बरादरी अक़वामे मुत्तहदा कश्मीर में भारतीय जारियत का नोटिस लें, भारतीय कर्फ्यू आलमी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि भारत कश्मीर में अक़वामे मुत्तहदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में आज भी कर्फ्यू नाफिज है, कश्मीर का मीडिया भी बंद है, जिसके बाइस बहुत से मसाइल हैं। पीपल ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट इवन अलाउड टू ऑफर फ्राइडे प्रेयर्स एट मॉस्क्स। दीस इनह्यूमन एंड यूनिलैटरल एक्शंस बाय इंडिया आर कंटिन्यूइंग डिस्पाइट वाइडस्प्रेड इंटरनेशनल कंडेमनेशंस। द इंडियन गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली रिस्टोर इंटरनेट एंड मोबाइल फोन सर्विसेज, रिलीज ऑल प्रिजनर्स especially civil society members and the abducted young children, remove the Public Safety Act and other draconian laws, and allow the independent media and international human rights observers to visit the region to independently observe the situation of the Kashmiri people. We urge the international community, the United Nations and other human rights organizations to take notice of the brutal suppression of the religious rights and freedoms of the Kashmiri people in utter violation of international laws and conventions. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सियाचिन का मसला अब तक है, भारत ने कब्जे की कोशिश की थी। सियाचिन के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। सियाचिन मुतनाज़ा इलाका है, हिंदुस्तान कैसे सियाहत के लिए खोल सकता है। उन्होंने कहा कि इत्तलात है करतारपुर आने वाले यात्रियों के लिए भारत रुकावटें डाल रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोई रुकावट नहीं, रोजाना 5,000 यात्रियों की गुंजाइश है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि कर्नल रिटायर्ड हबीब 2 साल से लापता है, उनके हवाले से सामने आने वाला लेटर जाली लगता है, उनका डेथ सर्टिफिकेट जाली है। वाज़ह है कि मकबूजा कश्मीर में आवाम को घरों में मैसूर और निजाम जिंदगी मुअत्तल हुए 100 रोज से ज़ायद हो गए। I have seen the quote unquote death certificate which looks fake. It is obviously a campaign of sensationalization being undertaken by hostile agencies against Pakistan and its nationals. The family of Colonel Habib Zahir and Pakistan remain extremely concerned about his whereabouts, who is missing for more than two years from Lumbini, Nepal,
5 kilometers from Nepal-India border. Shukriya. कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं कनाडा के एक न्यूज चैनल्स की जानिब से कहा गया है कि मुख्तलिफ कैनेडियन मीडिया इदारों का नाम इस्तेमाल करने वाली जाली न्यूज साइट्स भारतीय हुकूमत के मुफाद में काम कर रही थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के एक न्यूज चैनल की जानिब से कहा गया है कि मुख्तलिफ कैनेडियन मीडिया इदारों का नाम इस्तेमाल करने वाली जाली न्यूज साइट्स का एक बहुत बड़ा बैनुल अक्वामी नेटवर्क जो इंडियन हुकूमत की पोजीशन को बैनुल अक्वामी सतह पर आगे बढ़ाता है उसका कनाडा से गहरा ताल्लुक है। यूरोपीय यूनियन के डिस्क इन्फो लैब के मुताबिक इस नेटवर्क में 65 से ज्यादा ममालिक में कम अज कम 265 साइट्स शामिल हैं। उन साइटों में से 12 साइट्स कैनेडियन न्यूज आउटलेट्स के तौर पर काम कर रही थी और कैनेडियन मीडिया के इदारों से मिलते जुलते नाम इस्तेमाल कर रही थी, जबकि मजीद 16 साइटों के शवाहिद भी सामने आए हैं जो कनाडा की मुकामी न्यूज वेबसाइट्स की तरह नजर आते हैं जिन्हें श्रीवास्तव ग्रुप ने रजिस्टर्ड किया है, जिनमें से अक्सर वेबसाइट्स एडमोंटन के एक बंगले पर रजिस्टर्ड हैं। मस्कूरा साइट्स को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था जबकि 2010 से काम कर रही थी। ये न सिर्फ जाली न्यूज वेबसाइट है बल्कि मुनज्जम एनजीओज और थिंक टैंक्स है। तहकीक में ये बात सामने आई है कि सब एक प्लान के तहत हुआ। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद। टैग टीवी ब्रिंग्स यू डेली न्यूज बुलेटिन फ्रॉम पाकिस्तान। ब्रेकिंग न्यूज, व्यूज एंड हेडलाइंस फ्रॉम पाकिस्तान। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ, वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। Do not live in a fool's paradise. बुशरा खान, सारा, तनाकादी, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान।